ना रोजगार मिला, ना पक्की नौकरी मिली, सिर्फ अपना रोजगार इन लोगों ने किया। देखिए ये लोग तो चारा खाने वाले हैं, इस पर क्या बोलना। गाय के ही चीजों को खा जा रहे हैं तो वो घी पर क्या बात कर, क्योंकि इनके पिताश्री ने, इनके माताजी ने और इनका पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ घोटाला करने में एक्सपर्ट है, ये स्पष्ट तौर पर बिहार की जनता जान चुकी। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान जमकर हंगामा भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि सदन से बाहर निकलने के बाद चाहे वो विपक्ष के नेता हो या सत्ता पक्ष के नेता हो, एक से एक बयान देते नजर आ रहे हैं। बता दें कि इसी बीच नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का भी एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने सत्ता में आने से पहले ये वादा किया था कि जिस दिन वो सत्ता में आएंगे और पहली कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे तो 10 लाख युवाओं को रोजगार जरूर देंगे, वो भी पक्की नौकरी देने का उन्होंने वादा किया था। लेकिन कहां गया उनका वादा। उसके बाद सम्राट चौधरी घी वाली बात पर भी बोलते नजर आए, जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से एक ट्वीट किया गया था और बीजेपी को लेकर अब शब्द कहे गए, इसको भी लेकर सम्राट चौधरी ने बयान दिया है। सम्राट चौधरी का कहना है कि जो लोग चारा घोटाला करते हैं उनको घी के बारे में क्या बात करें, ये लोग तो खुद चारा खाते हैं तो ये लोग घी का मतलब क्या समझेंगे। देखिए अपने बयान में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी। उप मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि हम जिस दिन पहली सरकार में आएंगे और पहली कैबिनेट करेंगे 10 लाख नौजवानों को रोजगार नहीं पक्की नौकरी देने का वादा किया। आज लगभग 25 से अधिक कैबिनेट हो गए लेकिन बिहार के नौजवानों को ना रोजगार मिला, ना पक्की नौकरी मिली, सिर्फ अपना रोजगार इन लोगों ने किया, अपने रोजगार में बैठ गए। यही राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र है। और जो स्थिति बनी हुई है आप देखिए, हजारों लाखों की शिक्षकों की बहाली होनी है, उसमें भी 40,000 जो प्रधान अध्यापक शिक्षक बन रहे हैं उसको प्रमोशन देना, उसको भी लोगों ने घोटाला के तौर पर उसको नियुक्ति कैटेगरी में रखा। अरे वो तो टीचर पहले से हैं, उनको कौन नौकरी देना है, उसको भी लोगों ने घोटाला के तौर पर। घोटाला करना ये लोगों की आदत है, क्योंकि इनके पिताश्री ने, इनके माताजी ने और इनका पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ घोटाला करने में एक्सपर्ट है, ये स्पष्ट तौर पर बिहार की जनता जान चुकी है। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, कल भी कई विभागों में रोजगार का सृजन हुआ है, 10,000 नौकरी की बात भी कह रहे हैं आलोक मेहता। अरे कह रहे हैं ना, हो क्या रहा है, ये मैं कह रहा हूँ, हो क्या रहा है, सिर्फ कह रहे हैं। नीतीश कुमार की ऐसी सरकार है कि जब चुनाव आते हैं तो ये लोग सपना दिखाते हैं। 2014 में इन लोगों ने BSSC के माध्यम से 13,000 लोगों की नियुक्ति करने का काम शुरुआत किया था और 2022 में आके हुआ और उसमें भी 2,000 लोगों की नियुक्ति नहीं हुई। होम गार्ड आप देखे होंगे, लाखों बच्चे बिहार में होम गार्ड के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी 14,000 लोगों की बहाली हुई और 14,000 अभी भी रोड पर दौड़ ही रहे हैं। इसलिए ये पूरी तरह नियुक्ति का घोटाला करने वाली सरकार बन गई है नीतीश कुमार और तेजस्वी के नेतृत्व में। लड्डू पर लेकर राजनीति हो रही है। देखिए ये लोग तो चारा खाने वाले हैं, इस पर क्या बोलना। चारा खाने वाले को कोई नैतिक अधिकार नहीं है घी पर बात करने का। ये लोग तो गाय के ही चीजों को खा जा रहे हैं तो वो घी पर क्या बात करें। लेकिन वो एक तरह से जले पर नमक छिड़ने आए थे और लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे और बार बार लोगों ने आग्रह किया कि वहाँ पर विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष उसको पार्टी का कार्यालय नहीं बनाए, यही आग्रह करते हैं। इस वीडियो में फिलहाल करते ही, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।